सो गाइस, मुझे लगता है भाई मैं अभी तक का सबसे अमीर आदमी हूँ इंचेंटेड एप्पल्स में। ओके गाइस, आ गया भाई हमारा पूरा का पूरा रेड मैटर का सूट। तो गाइस इसको पहन के देखने वाले हैं भाई ये कैसा लगता है। ओ भाई, अबे भाई ये क्या है भाई, ये तो ड्रैकुला लग रहा है पूरा का पूरा। और गाइस मैंने नोटिस किया कि भाई ये तो ग्रेव है, मतलब ये कबर है गाइस, और यहाँ पे भाई कोई मारा गया था। सो हे गाइस, यार कैसे हो आप सभी लोग, स्वागत है एक और नए एपिसोड में क्रेजी क्राफ्ट के। तो कैसे यार गाइस, आई होप कि मस्त होंगे। कैसे कट रहे दिन? ओके सो यार गाइस, जैसा कि आपको लास्ट एपिसोड में पता है कि भाई हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं अपने लिए, अल्टीमेट सूट बनाया पूरा का पूरा। बट गाइस आप देख रहे हो कि यार इसकी भी ड्यूरेबिलिटी जो है कम होनी शुरू हो गई है। मतलब ये पावरफुल तो है बट इतना भी पावरफुल नहीं है। तो गाइज इसका क्या सोल्यूशन है? तो भाई हम एक टायर और ऊपर जा सकते हैं भाई, मतलब हम और भी अच्छा बना सकते हैं अपने लिए सूट, क्योंकि यहाँ पर एक सूट और है जिसका नाम है डार्क मैटर। तो भाई ये वाला सूट हम बना सकते हैं गाइज। और भाई ये EMC पावर से चलता है भाई, और इसमें यार इसकी कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं दिखाई है। तो पता नहीं गाइज इसके अंदर ड्यूरेबिलिटी है भी या नहीं है। तो भाई इसको बनाने के लिए हमें डार्क मैटर चाहिए, और डार्क मैटर भाई हम ऑलरेडी बना चुके हैं, मतलब हमारे पास काफ़ी सारा डार्क मैटर है। मेरे पास 8 ब्लॉक ऑफ डार्क मैटर के हैं। तो हम ये वाला सूट बनाएंगे। तो ये वाला सूट बनाने के लिए भाई मैं ये वाला सूट उतार देता हूँ। ये फुल्ली इंचेंटमेंट है गाइस। और उसके अलावा गाइस हमने भाई कुछ टूल्स बनाए हैं डार्क मैटर के, जैसे मैंने स्वॉर्ड बनाई है, एक्स बनाई है, और ये भाई शेयर बनाया है, और ये हुई बनाई है। तो गाइज ये चार चीज़ें हमारी किसी चीज़ में यूज़ होने वाली है, वो मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा कब यूज़ होंगे। तो ये मैंने पहले से बना के रखी है। और एक हमारे पास डार्क मैटर की पिकेक्स भी है, ठीक है। तो चलो भाई अभी क्या करने वाले हैं हम, अभी हमने जो लास्ट टाइम, और हाँ गाइज मैंने यहाँ पे कुछ काम किया है, मैंने एक नाइट विजन पैट बनाया है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया है, जिससे कि मेरे आसपास की जो भी चीज़ें मैं तोड़ूँ ओड़ूँगा ना, वो सब अगर मेरी इन्वेंट्री फुल होगी तो तब भी मुझे मिल जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा गाइज मैंने यहाँ पे स्लाइस एंड स्पाइस बनाया है, और इसका भी बहुत अच्छा यूज़ है। और गाइज यहाँ पे मैंने बैटरी बनाई है, और ये बैटरी के अंदर मैं ये रखूँगा तो ये चार्ज हो जाएगा, बस यही काम है बैटरी का, ठीक है। और इनको बनाना बहुत ईजी है गाइज, मतलब कोई बड़ी साइंस नहीं है। और गाइज यहाँ पर मैंने एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बनाई है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि गाइज नाइट विजन पैट है ना, जो जैसे कि ये वाला नाइट विजन पैट है, इसका फेवरेट फूड है कुक्ड फिश, ठीक है। तो कुक्ड फिश यार कहाँ से मिलेगी हमें? मैं अब भाई फिश रोड लेके फिशें तो पकड़ने बैठूंगा नहीं। तो भाई इसका सॉल्यूशन ये है कि हमारे पास ये जो था ना स्क्वाइज जॉक, ये बड़ा सा मशीन भाई, तो गाइज इसको मैं क्या करने वाला हूँ अभी, इसको मैं लेके जाऊँगा नीचे यहाँ पे। तो गाइज मैंने यहाँ पे एक चैम्बर बनाया है, तो भाई यहाँ पे हम इसको ऐसे करके मारेंगे। तो देख रहे हो, ओके गाइज तो ये है भाई आयरन स्पाइक्स। तो पहले मैं एक बारी मैग्नेट ऑन कर लेता हूँ। तो देखो गाइज मैग्नेट ऑन करने से क्या होता है भाई, ये सारा सामान जो है मुझे मिल जाएगा ऐसे करके, ठीक है। और ये कहाँ पे है सारा सामान? हाँ मेरे इन्वेंट्री में, हाँ मेरे इन्वेंट्री में आ गया। तो मुझे इंचेंटेड एप्पल भी मिल गई है, नाइस। चलो भाई बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिली है, कुछ इंचेंटेड चीज़ें मिली है जिसमें अनब्रेकिंग 5 है भाई। और गाइज ये है स्पाइक्स। तो भाई ये स्पाइक्स किस तरीके से बनते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई ये स्पाइक्स इस तरीके से बनते हैं, तो हमने टायर 1 का स्पाइक्स बनाया, यानी कि आयरन का। थोड़ा सा यार ज़्यादा आयरन लगाए बट बना लिया हमने यहाँ पे बहुत सारे, ठीक है। तो ये फ़ायदा है भाई इसका, मतलब इस पे जो भी मॉब्स आएगा ना वो मारा जाएगा बेचारा। तो ये है भाई इसका फायदा। चलो अभी मैं बाकी सामान रख देता हूँ, और ये फिश को वापस से कुक करने के लिए रख देता हूँ। ओके गाइस, और मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा टॉर्च भी बनाई है भाई, रेडिएंट वाली। और उसके अलावा गाइस हम बनाने वाले हैं अभी एक पूरा का पूरा सूट, जो कि होने वाला है डार्क मैटर वाला। और गाइस हमारे पास बहुत सारे ब्लॉक जो है वापस से निकल भी गए हैं, जैसे कि आपको पता है कि हम डुप्लीकेशन ट्री जो है हम लेके आए थे, और डुप्लीकेशन ट्री से भाई हमें बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं, मतलब हमारी चीज़ें डबल हो जा रही है भाई। तो चलो निकाल लेते हैं इनको फटाफट से। तो भाई ये है यूरेनियम, सबसे पहले यूरेनियम निकाला मैंने। तो
तो सभी चीज़ें एकदम फुल हो चुकी है भाई, और भाई इनको बहुत टाइम लगता है फुल होने में। और मैं बस एक एक ब्लॉक छोड़ दूंगा, बाकी निकाल लूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट ब्लॉक जो कि डार्क मैटर, जो कि मैंने तीन पेड़ों में लगाया है, और यार ये फिर से उग गया, जो कि यहाँ पे मैंने तीन पेड़ों में लगाया है, तो वो निकालने वाला हूँ अब। लेट्स गो। इसको हार्वेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है गाइस। अरे यारे, डायमंड का ब्लॉक एक और आ गया। अभी हमारे बहुत जल्दी निकल रहे हैं ब्लॉक, देख रहे हो आप कितने जल्दी निकल रहे हैं। नाइस। तो चलो यार, आप देखते कितने ब्लॉक हो गए भाई हमारे पास। तो भाई 23 हो गए हमारे पास यूरेनियम, 23 हो गए हैं टाइटेनियम, 24 हो गए हैं गोल्ड, और 24 हो गए हैं डायमंड, और 24 हो गए रेडस्टोन, 24 हो गए आयरन, 47 हो गए हैं फ्यूल ब्लॉक, और भाई 64 और 29 हो गए हैं भाई डार्क मैटर। तो गाइस बहुत सारे हैं भाई ये, तो मतलब ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, बट अपने लिए बहुत सही है यार, हमें इतना ही चाहिए। ओके, तो भाई सो जाते हैं यार, रात हो गई। ओके गाइस, गुड मॉर्निंग बॉयस, कैसे हो यार आप सभी लोग। तो चलो यार, गुड मॉर्निंग हो गई है भाई अभी हमारी, और थोड़ी भूख लग गई है, खाना खा लेते हैं। ओके, पेट बिल्कुल एकदम फुल हो गया भाई, ठसा ठस भर गया एकदम पेट। और ये देखो, वो मुझे मारने आ रहा था, ये देखो मुझे मारने आ रहा था, उसको हमारी टॉर्चों ने भगा दिया यहाँ से। चलो भाई, तो ये ब्लॉक जो है हमारे, जो इम्पोर्टेंट ब्लॉक है वो यहाँ रखने वाला हूँ मैं सबसे पहले। तो ओके, ये रख दिए, और जो हमारे सिंपल ब्लॉक है वो हम यहाँ रखेंगे एज ऑलवेज। देख रहे हो गाइस कितने सारे ब्लॉक हो गए गाइस हमारे पास। तो गाइस आज हम क्या करने वाले हैं, तो भाई हमारे पास अनस्टेबल इनगट है, तो इनका यूज़ करने वाले हैं भाई हम। तो आज हम बनाने वाले हैं एक रिंग जिसको बोलते हैं एंजल रिंग, क्योंकि यार आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे, ये वाली रिंग बनाने वाले गाइस आज हम। देख रहे हो, इसके लिए नेदर स्टार चाहिए, अनस्टेबल इनगट चाहिए, और भाई ग्लास चाहिए सिंपल वाले, और गोल्ड चाहिए, और भाई बीच में नेदर स्टार रखना है, साइड में अनस्टेबल इनगट, और साइड में दो नगेट, और बन जाएगी हमारी एंजल रिंग। तो गाइस एंजल रिंग बन गई है, और भाई मैं इसको पहन के देखने वाला हूँ। ओके, और भाई ये फालतू की रिंग जो है इसको रखो यहाँ पे। ओके गाइस, तो भाई एंजल रिंग आ चुकी है मेरे पास, और पंख लग गए भाई हमारे, और मैं इन्फानाइट फ्लाइट कर सकता हूँ अब जितना मर्जी गाइस। देख रहे हो, ये चीज़ बढ़िया है यार। और गाइज मुझे एक चीज़ और पता चल गई कि भाई जो मेरे तीर है ना, ये टेढ़े क्यों जा रहे हैं, ये जो टॉर्च है ना, इन टॉर्चों की वजह से जो है मेरे तीर टेढ़े जा रहे हैं। देखो, देख रहे हो, पता नहीं कहाँ चला गया ऊपर चला गया कहीं पर। तो भाई ये टॉर्च की वजह से मेरे तीर टेढ़े जा रहे थे, ठीक है, अभी मेरे को पता चल गया है। तो एप्पल को रख देते हैं यार। तो गाइज अब बनाने वाला हूँ मैं भाई सूट, जिस काम में बेसब्री से इंतजार था, जो कि होने वाला है भाई हमारा डार्क मैटर सूट। और भाई ये थोड़े से निकाल लेता हूँ मैं, या थोड़े ज़्यादा निकाल लेता हूँ, ऑलमोस्ट मेरे पास एक स्टैक और 12 हो गए हैं। तो भाई सिंपल है सूट बनाना, डार्क मैटर सूट बनाना, हेलमेट बना, बूट बने, लेगिंग बनी, और ये चेस्ट प्लेट बना। ओके गाइस, तो भाई फुल सेट हमारे पास आ गया है डार्क मैटर का भाई, देख रहे हो। अभी मैं इसको एक बारी पहन के देखने वाला हूँ, और इसके अंदर कोई इंचेंटमेंट नहीं है, इनकी कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं दिखाई हुई भाई साहब। ओ भाई ये बिल्कुल ही ब्लैक है यार, मेरा मुंह भी नहीं दिख रहा भाई, होली क्रैप। चलो भाई, तो डार्क मैटर का सूट हमारा गाइस बन गया है, अब एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं भाई कितना पावरफुल है ये, है ना। चलो, तो टेस्ट करने के लिए गाइस यहाँ पर है भाई एक ये वाटर ड्रैगन, और भाई ये बाहर आ गया मुझे मारने के लिए। ओके गाइस, इसका कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं है भाई, ये चीज़ तो बढ़िया है यार, मतलब अनलिमिटेड है ये भाई। ओके नाइस, बट यार इसको मैं मार क्यों नहीं पाया। ओके, दो हिट, तीन हिट, यार मैं बहुत ज़्यादा नॉक बैक मिल रहा है मुझे, चार हिट, मर गया भाई ये। और ये क्या गिराया है इसने। ओके, मुझे वाटर ड्रैगन स्केल मिल गया, और इसका क्या यूज़ होएगा, बिग बेल्ट हैंडल,
ओके भाई, ये 500 की डैमेज वाली स्वॉर्ड है। हैंडल में ये लगता है, ग्रीन गू लगता है, मैंटिस को लगता है, बाकी सांप से भी लड़ के देख लेते हैं एक बारी। ओके, ये भी कुछ खास नहीं दे पा रहा है डैमेज देखा जाए तो। देख रहे हो, कोई भाई कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड ड्यूरेबिलिटी भाई। बस गाइज, हमें अपनी एक स्वॉर्ड जो है थोड़ी सी ओपी करनी पड़ेगी, क्योंकि गाइज हमारे पास जो स्वॉर्ड है वो बिल्कुल भी ओपी नहीं है भाई। चलो भाई, स्नैक भी मारा गया और बहुत सारा खाना मिल गया भाई इससे, स्नैक से, और इसकी जवान मिल गई। ओ भाई क्या है भाई ये। सो गाइज यार, मैं सोच रहा हूँ कि यार हमने डार्क मैटर की इतनी सारी चीज़ें बना ली, मैं कुछ और चीज़ें भी बना के देखता हूँ क्या क्या बन सकता है डार्क मैटर से। तो भाई एक फर्नेस बन सकता है डार्क मैटर पेडेस्टल। ओके पेडेस्टल। यार मैं ना ऐसा करता हूँ, मैं रेड मैटर का भी एक ब्लॉक बना लेता हूँ, है ना। तो रेड मैटर बनाने के लिए मेरे को देखना पड़ेगा भाई क्या लगता है। इसको बनाने के लिए भाई एंशेंट फ्यूल लगेगा और ये डार्क मैटर लगेगा। तो भाई एंशेंट फ्यूल के तो ब्लॉक हमारे पास काफ़ी सारे पड़े हैं और खुला भी पड़ा है। ये रहे एंशेंट फ्यूल, चलो इनको खोल लेते हैं, देखते हैं कितने मिल जाते हैं। ओ भाई ये तो बहुत सारे मिल गए। ओके, तो भाई इसको बीच में रखता हूँ मैं, और इनको यहाँ रखो, इनको ऊपर रखो, तो मिल जाएंगे हमें 17 मिल गए भाई, नाइस। और भाई इसका बनाने वाला हूँ मैं ब्लॉक, एक ब्लॉक बना लेता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने एक ब्लॉक बना लिया भाई, और ये ब्लॉक मैं जाके लगाऊंगा ट्री पे ताकि ये डबल हो सके। और उसके अलावा गाइस मैं यहाँ पे ये पेडेस्टल बनाने वाला हूँ एक, जो कि बनता है ब्लॉक से। मेरे को चाहिए भाई 5 ब्लॉक चाहिए मुझे, 1 2 3 4 5। ओके, और भाई अब मैं बनाने वाला हूँ एक पेडेस्टल। ओके, ये बनेगा पेडेस्टल हमारा ऐसे, 2 ऐसे रखने हैं मुझे, और ये 5 जो है ऐसे रखने हैं, तो बन जाएगा। अरे कौन सा रह गया यार, ये रह गया क्या? हाँ, तो ये बन गया गाइज हमारा पेडेस्टल भाई, डार्क मैटर पेडेस्टल। गाइज शिफ्ट राइट क्लिक टू ओपन गाइड, राइट क्लिक टू एक्टिवेट। ओके, देखता हूँ भाई क्या है इसके अंदर। ओके, इसके अंदर भाई कुछ चीज़ लगती है, और वो चीज़ मुझे पता है क्या लगती है गाइज। मेरे एक व्यूवर्स ने भी, यानी कि अपने भाई ने भी बोला था एक, कि भाई इसके अंदर एक घड़ी लगती है जो कि आपका टाइम को जो है ना फॉरवर्ड कर देगी। तो एक मिनट रुको, टाइम। ओके गाइस, तो भाई ये है वो घड़ी जो मेरे को बनानी है गाइस। और इसको बनाने के लिए भाई डार्क मैटर चाहिए होंगे 4, ग्लो स्टोन के ब्लॉक चाहिए होंगे 2, और एक गोल्डन क्लॉक चाहिए होंगे, और 2 ऑब्सीडियन चाहिए होंगे। तो ये गोल्डन क्लॉक बनाना तो बहुत ईजी है, रेड स्टोन और आपका भाई गोल्ड से बन जाती है ये। ये रहा गोल्ड और ये रहा रेड स्टोन, और मेरे को ऑब्सीडियन चाहिए होंगे। तो अभी ये क्लॉक बन जाएगी। ऑब्सीडियन, डार्क मैटर, क्लॉक, ग्लोस्टोन। तो भाई ये आ गई वॉच। ओ भाई क्या भाई, हालत ख़राब होती है ये चीज़ें बनाने में यार, बहुत टफ है यार। तो रेड मैटर भी मिल गया गाइज मुझे, और भाई अभी क्या करने वाला हूँ मैं, ये ग्लोस्टोन और ये सब चीज़ें रखने वाला हूँ यहाँ पे। ओके, और गाइज अभी हमें जो है इसका जो है कमाल दिखाने वाला हूँ मैं आप लोगों को। ओके, पहले तो यार मैं वो ब्लॉक निकाल के लेके आता हूँ रेड मैटर वाला, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। पेड़ पे लगा दूँगा मैं उसको, डुप्लीकेशन ट्री पे। ओके, तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि यार ये ऐसा करता हूँ मैं, डार्क मैटर वाले बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो ये डार्क मैटर वाला एक हटा देता हूँ और यहाँ पर रेड मैटर वाला लगा देता हूँ, है ना। ओके, तो ये लग गया भाई रेड मैटर वाला, अब ये भी डबल होने शुरू हो जाएंगे। ओके, नाइस, हम टाइम को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। देखो इसके अंदर लिखा हुआ है, अगर आप शिफ्ट राइट क्लिक करेंगे तो इसमें मोड चेंज होंगे। देखो, राइट क्लिक टू चेंज मोड, टाइम कंट्रोल मोड ऑफ, और भाई टाइम फास्ट फॉरवर्ड भी होता है। देखो भाई फास्ट फॉरवर्ड आ गया इस पर लिखा हुआ, हमने शिफ्ट राइट क्लिक कर दिया। अब हमें ये पेडेस्टल लगाना है यहाँ पे और फास्ट फॉरवर्ड करना है। चलो देखते हैं भाई कितने ट्रीज फास्ट फॉरवर्ड होते हैं। तो बस अब हमें इस पे राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करते कि शायद ये घड़ी जो है ना चालू हो जाएगी, और देखते हैं भाई ये क्या कमाल दिखाती है। तो अब देखो गाइस, मैजिक एंड स्टार्ट। ओ भाई देख रहे हो गाइस,
वो भाई डायमंड के ब्लॉक निकल गए, यानी कि आप इसको टाइम फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो भाई। देख रहे हो एप्पल निकलने लग रहे हैं कितने सारे। नाइस, यहाँ रखता हूँ इसको और इस पे ऐसे करता हूँ, और क्या ये काम करेगा? चलो गाइस फिंगर क्रॉस, चेक करते हैं काम करता है कि नहीं करता। वैसे रात हो रही है यार, रात को नहीं करना चाहिए इसको, दिन में काम करना चाहिए, क्योंकि इन ट्रीज को डबल करने के लिए ना वो चाहिए होता है, रोशनी चाहिए होती है। तो चलो यार एक बार सो के आते हैं पहले। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वापस से गुड मॉर्निंग हो गई भाई। अब चला एक बार उसको चला के देखते हैं, दिन हो गया है, पूरी लाइट हो गई है चारों तरफ, तो अभी करके देखते हैं डबल मैटर्स हो जाता है कि नहीं होता भाई। ओ भाई हो गया डबल, नाइस गाइस, मजा आ गया भाई। ऐसे तो यार हमारे आइटम्स और भी डबल हो जाएंगे जल्दी जल्दी भाई। देख रहे हो एप्पल्स तो देखो भाई कितने निकल रहे हैं यार, वाडू हैक। ये कौन सा एप्पल मिला मुझे? OMG, don't do it, Fortune 2। ये क्या है भाई, इससे कुछ बनता है? खा सकता हूँ क्या मैं इसको? अरे नहीं यार, इसको खा नहीं सकते यार। What? ये कैसा एप्पल है भाई? ओके, अगर मैं इसको बंद करके दोबारा चलाऊं, भाई कितने एप्पल हो गए यहाँ पे यार, वाडू हैक। मैं तो खेत बना सकता हूँ यार, पूरी की पूरी दुकान खोल सकता हूँ एप्पल की, देख रहे हो। और इंचेंटेड एप्पल देखो, 17 हो गए इंचेंटेड एप्पल भाई। होली क्रैप भाई, कितने सारे इंचेंटेड एप्पल, और ये एक अजीब सा इंचेंटेड एप्पल और आ गया मेरे पास। सो गाइस मुझे लगता है भाई मैं अभी तक का सबसे अमीर आदमी हूँ इंचेंटेड एप्पल्स में, और भाई ये माइनक्राफ्ट की हिस्ट्री में गाइस लिखा जाएगा कि भाई मेरे पास इतने सारे इंचेंटेड एप्पल है कि यार कोई हद नहीं है भाई। भाई इंचेंटेड एप्पल, होली क्रैप। ओ भाई कितने एप्पल है यार, ये देख रहे हो गाइस, एप्पल ही एप्पल भाई। खाने का तो झंझट ही खत्म हो गया मेरे पास भाई, 27 इंचेंटेड एप्पल हो चुके गाइस मेरे पास, 27। सो गाइस मेरा इन्वेंट्री पूरा फुल हो गया भाई। ओ भाई, तो यार ये चीज़ तो बहुत बढ़िया यार। तो ये एक ब्लॉक मैं निकाल लेता हूँ, ये लो भाई, मैं इसको हार्वेस्ट नहीं कर सकता गाइज। इसको हार्वेस्ट करने के लिए गाइज मुझे रेड मैटर पिकेक्स बनानी पड़ेगी। होली क्रैप यार, ये और एक चीज़ नहीं। चलो गाइज वैसे अच्छा लगा यार मुझे, मज़ा आ गया यार। ओ भाई कितने एप्पल हो गए भाई मेरे पास, कितने एप्पल यार, कोई हद नहीं है गाइज। तो यार गाइज मैं ये ज़्यादा एप्पल नहीं रखूँगा, मैं इंचेंटेड एप्पल ही रखूँगा अपने पास खाने के लिए। बहुत ही फर्स्ट क्लास फूड है भाई, बहुत फर्स्ट क्लास फूड। सो गाइज यार अब ये पिकेक्स मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ, क्योंकि अभी इस पिकेक्स का थोड़ा काम हो गया हमारा। तो अभी हम क्या करने वाले गाइज, अभी हम जाने वाले हैं भाई एक अदर डायमेंशन में, और उस डायमेंशन में जाने से पहले गाइज हमें एक चीज़ बनानी पड़ेगी जिसका नाम है भाई, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, रेड मैटर से बनती है वो। सो गाइज ये है भाई वो रेड मैटर कटार जो कि हमें बनानी है भाई, जिसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बनाने के लिए भाई। इसके लिए हमें पहले ये टूल्स भी बनाने पड़ेंगे, और जैसे कि आप देख रहे हो भाई ये शेयर बनाने के लिए ऐसे ऐसे करके हमें रेड स्टोन वाले सारे के सारे बनाने पड़ेंगे टूल्स, और भाई ये बहुत मुश्किल है यार। तो चलो यार इसको बनाने की कोशिश करते हैं, बाकी बना पाएंगे क्या नहीं बना पाएंगे ये पता नहीं है भाई। ये चार चीज़ें चाहिए थी जो कि मैं ऑलरेडी बना के रखी हुई हैं, और भाई बहुत सारा रेड मैटर चाहिए होगा हमें, और अभी के लिए हमें ब्लैक मैटर भी चाहिए भाई, और ये भी चाहिए भाई हमें, ठीक है। तो जितना लगेगा भाई मैं बनाता चला जाऊंगा, आई होप कि यार आज बन जाए ये चीज़। अगर बन जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा भाई, सच में बहुत बहुत खुश हो जाऊंगा। तो ये बना भाई हमारा डार्क मैटर, तो भाई 53 बन गया है मेरे पास। तो चलो यार देखते हैं अब क्या क्या बनाना है। पहले हमें ये शेयर बनाना है एक, तो इसको बनाने के लिए एक शेयर रखो, रेड मैटर रखो, तो हमें एक शेयर मिल जाएगा। और क्या क्या बनाना है वैसे, शेयर एक्स स्वॉर्ड और हुई। ओके गाइस, तो भाई चारों ही चीज़ें गाइस हमारे पास बन गई है। अब हमें बनानी है फाइनल चीज़ रेड मैटर शेयर और रेड मैटर कटार। तो भाई इसको बनाने के लिए हमें रेड मैटर रखने पड़ेंगे, और ये सब चीज़ें ऐसे रखनी पड़ेंगी। तो चलो भाई बना लेते हैं, लेट्स गो, आप बन जाएगी भाई मुझे विश्वास हो गया है। तो गाइस रेड मैटर कटार हाजिर है। ओ भाई, और गाइस इसमें पावर होती है गाइस, आई थिंक इसको सी प्रेस करके इसकी पावर हम ऑन कर सकते हैं। इसकी पावर कैसे होती है यूज़, मुझे इसकी पावर यूज़ करनी नहीं आ रही है भाई। तो यार गाइस मुझे पता नहीं चल रहा भाई इसका किस तरीके से यूज़ करते हैं,
आई होप कि कुछ सही चीज़ हो भाई, क्योंकि यार गाइस बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में। अब यार हमने जब रेड मैटर बना ही लिया है, तो क्यों ना गाइस हम ये रेड मैटर का पूरा आर्मर भी बना लें। तो चलो ट्राई करते हैं रेड मैटर का आर्मर हम बना पाते कि नहीं बना पाते। तो हेड बनाने के लिए भाई हमें हेड को ऐसे रखना पड़ेगा डार्क मैटर के, और रेड मैटर हमें ऊपर से रखना पड़ेगा, तो हमें रेड मैटर का हेड मिल जाएगा भाई। और ये आई थिंक इससे ज़्यादा पावरफुल है, आई होप कि पावरफुल हो, क्योंकि यार इसको बनाने में बड़ी मेहनत लग रही है। एक ये रखो और इसको ऐसे रखो और मिल जाएगा हमें रेड मैटर चेस्ट प्लेट। अब हमें बनानी है लेगिंग, और लेगिंग मुझे लगता है बन जाएगा हमारा का इस आर्मर पूरा का पूरा। ओके ये आ गया हमारा रेड मैटर का लेगिंग, अब आ जाएंगे बूट। ओके तो गाइस बन गया भाई हमारा पूरा का पूरा रेड मैटर का। ओके गाइस आ गया भाई हमारा पूरा का पूरा रेड मैटर का सूट। तो गाइस इसको पहन के देखने वाले भाई ये कैसा लगता है। ओ भाई अबे भाई ये क्या है भाई, ये तो ड्रैकुला लग रहा है पूरा का पूरा, वाडू हैक। ओ भाई कितना खतरनाक लग रहा है भाई ये रेड कलर का सूट, नाइस। तो चलो यार गाइस इसको टेस्ट करके देखते हैं। अब भाई मैं इसको सीधा के सीधा टेस्ट करने वाला हूँ दूसरे डायमेंशन में और ख़तरनाक वाले मॉब्स पे। तो चलो भाई रेड आंट डायमेंशन चलते हैं, जो कि मैंने यहाँ रखा हुआ है, ये रहा, निकालते हैं, चलते हैं सीधा रेड आंट डायमेंशन, लेट्स गो। तो गाइज ये रही रेड आंट, चलो भाई इनके डायमेंशन निकलते हैं। और भाई आते के साथ हमें किसके दर्शन हुए, चलो बच गया भाई। हो भाई सो गाइस अभी हम यहाँ पे किसी से पंगे नहीं लेंगे, हम यहाँ पे जाने वाले हैं दूसरे डायमेंशन में, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे चार तरह के अलग अलग चींटियाँ हैं भाई, और हम इन्हीं के डायमेंशन में जाएंगे। तो हम चलते हैं भाई रेनबो, ये रेनबो ना, ये री रेनबो, तो रेनबो आंट के डायमेंशन जाएंगे, लेट्स गो। तो गाइस ये वाली है वो रेनबो, अरे भाई ऐसे तो यार मैं इनको पकड़ ही नहीं पाऊँगा कौन सी है रेनबो कौन सी नहीं है। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ आंट ग्रा और टेरामाइट रेड आंट और अनस्टेबल आंट। आई थिंक ये यहाँ पे रेनबो नहीं है इनमें से कोई भी। और यार ये इसके अलग, व्हाट इसको कितना घटिया डैमेज है भाई, ये चार्ज कैसे होगी। अरे भाई ये तो, अच्छा ओके, अरे भाई ये कैसे काम करती है भाई, ये तो एकदम घटिया डैमेज है भाई इसका तो यार, व्हाट ये 20 का डैमेज भी नहीं दे पा रही है। सो गाइस यार काफी देर तक सर्च करने के बाद भाई मेरे को इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला, ये कैसे क्या चलती है, और इसका डैमेज 20-25 का ही है, ठीक है। और अगर कुछ इसका स्पेशल पावर होगा तो वो आई थिंक क्या होता है वो इन्होंने डिसेबल किया हुआ है। देखो मेरे को काफ़ी कुछ मैंने किया है इसका चार्ज वगैरह भी करके देख लिया, ये ऐसा कुछ तो कर रही है देख रहे हो पूरा खेत बना दिया इसने नीचे। और उसके अलावा गाइस ये ऐसे करके मार रहा हूँ ना इसको, तो बहुत ही कम डैमेज दे रही है ये देखे कितना कम डैमेज दे रही है, बहुत ही कम डैमेज, ना के बराबर ऑलमोस्ट। तो भाई इतना घटिया स्वॉर्ड नहीं चाहिए मुझे यार। तो गाइस अभी मैं क्या करने वाला हूँ, देखो वैसे ये शेयर्स का अच्छा काम कर रहा है, और भाई ये देखो पेड़ों पे से ना बहुत अच्छे तरीके से ये मतलब तोड़ देता है झाड़ियाँ वाड़ियाँ, और लकड़ी भी बहुत अच्छे तरीके से तोड़ देता है। बट यार मुझे तो एक स्वॉर्ड चाहिए थी बढ़िया काम करने वाली, जो कि ये नहीं कर रही है। और मैं यहाँ से गुजर रहा था तो भाई मुझे ये एक अजीब सा टनल मिला है, तो चलो इसके अंदर चल के देखते क्या है भाई। अरे यार इनको छोड़ दो पहले, ओके यहाँ पर पानी है और यहाँ पर भाई लावा की वॉल बनी हुई है एक। ओके तो गाइज मैं प्रिपरेशन कर लेता हूँ, मुझे 100% पता है कि भाई अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ मिलने वाली है, और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा भाई अपने नाइट विजन पैट का। तो चलो भाई देखते क्या मिलता है अंदर। ओ भाई ये अंदर कोई स्पोनर है, तो भाई ये स्पोन होने से पहले मैं यहाँ पे टॉर्च लगा देता हूँ। ओके ये है क्या चीज़ वैसे, ओ भाई ब्लेज, इतने सारे ब्लेज, वाडू है, ओ भाई कितने सारे भाई ये ब्लेज के, होली क्रैप, मतलब इतने सारे स्पोनर ब्लेज के भाई, बट ये मुझे मार नहीं पाएंगे। और वो नीचे क्या है भाई, अच्छा ये वही नरक पुत्र जिसकी मैं बात कर रहा था, ये वैसा ही लग रहा है कुछ कुछ। ओके वैसे हमें फायर का तो कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारे पास फायर रेसिस्टेंस है। और भाई ये भी मैं तोड़ने वाला हूँ, पता नहीं क्या है यार ये कौन सा जानवर है भाई, ये मैं इसको मार देता हूँ।
मैं इसको स्वॉर्ड से मारता हूँ, देखते हैं क्या मिलेगा इससे। भाई इसका हेल्थ देख रहे हो, 125 का हेल्थ है भाई इसका। ओके ये रेड स्टोन दे रहा है मुझे, और वो भी रेड स्टोन का पूरा ब्लॉक दे रहा है भाई। ओके बोन गिराया, हाँ नाइस। अरे यार ये एक अच्छा वाला भाई फार्म हो सकता था यार, मैंने बेमतलब में इनको मार दिया। हाँ ये एक फार्म हो सकता था यार अच्छे वाला, मुझे मारना नहीं चाहिए था इनको, मतलब इनका स्पोनर नहीं तोड़ना चाहिए था। मैं इनकी फार्मिंग करता आराम से बैठ के यहाँ पे। देखो कितना रेड स्टोन मिल रहा है, ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्ज भाई, क्वार्ट्ज का और इसका तो बहुत ही अच्छा मतलब यहाँ पे हो सकता था मुझसे। चलो भाई अब इस चेस्ट में देखते क्या खजाना मिलता है हमें, और ये ब्लॉक में इधर रखने वाला हूँ भाई काम की चीज़ें। और यार अभी इसकी तो ज़रूरत नहीं है मुझे, तो इनको मैं डालने वाला हूँ सीधा यहाँ पे। ओके ये ब्रोकन स्पोनर है, चलो भाई इसके अंदर देखते खोल के क्या मिलता है। तलवार मिली नाइट मेयर की, इसका अच्छा खासा डैमेज है भाई, 21 का डैमेज है इसका। और अंडे मिले हैं भाई मुझे, 2 अंडे मिले हैं और बाकी कुछ नहीं है। और यहाँ पे चेस्टें पड़ी हुई हैं, यहाँ पे देखते क्या है इन चेस्टों में, लेट्स सी। ओके लावा ईल हेलमेट, लावा ईल चेस्ट प्लेट। ओ भाई इनके अंदर इंचेंटमेंट मिल गई मुझे, बट यार इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही घटिया है, बहुत कम ड्यूरेबिलिटी है। और क्या मुझे पूरा सेट मिलेगा? ओके बूट मिले मुझे, और एक मुझे चाहिए लैगिंग, तो इसमें लैगिंग है। ओके लैगिंग तो गाइस पूरा का पूरा सूट मिल गया भाई, तो इस सूट को रखेंगे हम एज ए डिस्प्ले में रखेंगे हम इनको। ओके गाइस यहाँ से निकले क्या अब भाई, बहुत ही पावरफुल थे यार ये, एक चुटकी में हरा दिया मैंने इनको। लोल अरे कहना क्या चाहते हो? अगर मेरे पास पावर्स ना हो तो मैं यहाँ पे टिक नहीं पाऊंगा, वैसे पावर्स की वजह से मैं बच गया हूँ अच्छा खासा। तो भाई यहाँ पे मैं इस वाले चींटी के डायमेंशन में जाऊँगा, जो ये बिल्कुल रेड रेड सी दिख रही है अजीब सी। इसका नाम है क्या नाम है इसका, अनस्टेबल आंट। तो भाई चलते हैं अनस्टेबल आंट के पोर्टल, देखते कैसा पोर्टल निकलता है। ओके यहाँ पे सब कुछ फ्लैट ब्लैट क्यों दिख रहा है भाई मुझे, और ये क्या ड्रैगन है? हाँ इस ड्रैगन को मैं जानता हूँ, और मुझे भाई अनस्टेबल आंट का एक घोंसला चाहिए होगा, बस ये रही अनस्टेबल आंट का घोंसला। तो ठीक है भाई अब मैं घर पे भी जा पाऊँगा कहीं से भी। ओके तो इसको रख लेता हूँ मैं अपने पास, और ये मुझे मारेगा? आई थिंक ये मुझे नहीं मार रहा। और वो सामने क्या है भाई इतना बड़ा, होली क्रैप, क्या ये बॉस बैटल अरेना है? ओके ये बॉस बैटल अरेना है बॉयज, और ये मतलब ये एक फाइनल बॉस बैटल अरेना होता है। और भाई यहाँ पे जाने के लायक अभी हम नहीं हैं, तो यहाँ पे अभी नहीं जाएंगे हम, क्योंकि गाइज ये बहुत ही पावरफुल होता है। और गाइज इस डायमेंशन को मैं अगर थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो ये क्या मेंटिस है? हाँ नहीं लूर किंग कुछ नाम था उसका। और मुझे किसने मारा? इसी ने मारा मुझे। ओके ये मर गया, नहीं मरा नहीं है, व्हाट? ओके अभी मर गया, ठीक है। तो गाइस हम यहाँ पे एक चीज़ लेके जाएंगे अपने लिए, जो कि होने वाला है भाई ये, इसको बोलते हैं डार्क फ्लोटिंग आइसलैंड। तो इसको हमें लेना पड़ेगा भाई, बट इसको मारना पड़ता है हमें। तो इसका बीज हमें मिल जाता है आई थिंक, ये रहा आइसलैंड ब्लॉक। तो भाई ये चीज़ हमें मिल गई है, अब हम अपना एक आइसलैंड बना सकते हैं अपने वर्ल्ड में। ये चीज़ बढ़िया है यार, नाइस। तो गाइस हम एक छोटा मोटा बॉस बैटल तो यहाँ पे कर ही सकते हैं। और भाई यहाँ पे ये देख रहे हो कितना बड़ा, क्या है ये भाई? ये तो एंड का सामान है। ओली क्रैप ये क्या था भाई? ट्री फाइट ट्री, चलो इसको मारते हैं, कुछ तो मिलेगा इससे। और ये वाइल्ड है, ओके ये मर नहीं रहा है भाई, ये एक अजीब ही पेड़ है भाई, जो कि मतलब मर नहीं रहा है, नीचे ही गिर गया वो तो, लोल। और गाइज मैंने यहाँ पे एक छोटा एरेना दिखा था, ये रहा। तो भाई यहाँ पे साइड से जाके हम बॉस बैटल कर सकते हैं, लेट मी चेक भाई कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, लेट्स गो। वैसे गाइज यहाँ पे किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए, बाकी देखते हैं भाई क्या निकलता है अंदर। ओ भाई ये क्या है? अबे गेट बंद हो गया, ये क्या है भाई? ओ भाई ओ ये क्या है भाई? आत्माएं, और गेट बंद कर दिया इन्होंने
भाई ये किस चीज की आत्माएं हैं भाई, बहुत बहुत ही ज्यादा तेज आवाज है यार। और भाई यहाँ पे किसी तरह की आत्माएं हैं। ओके तो गाइस अब मैं इसको तोड़ने वाला हूँ। ओके और ये क्या चीज है भाई, भाई मैं मार रहा हूँ ना तो आत्माएं आगे आ जा रही हैं, आत्मा अपने ऊपर ले रही हैं ये सारा का सारा डैमेज, देख रहे हो। सो गाइस मेरे को यार ये टॉर्चें मिल गई हैं चार, और भाई इन आत्माओं ने ना बहुत ज़्यादा ही दिमाग ख़राब कर रखा है भाई। भाई एक्सपी कितना बिखरा पड़ा है भाई फ्री का, ये मैंने ही मारे हैं, ये उसका एक। चलो भाई गाइज अभी नीचे वाले टायर पे चलते हैं और देखते हैं भाई नीचे क्या मिलता है हमें, क्योंकि नीचे भी ओ भाई। ओके ये क्या है का स्पोनर है भाई, ये आत्माओं का ही है क्या। ओके गाइज तो भाई अब यहाँ पे शांति हो चुकी है भाई, बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे गाइज ये। और गाइज मैंने नोटिस किया कि भाई ये तो ग्रेव है, मतलब ये कबर है गाइज, और यहाँ पे भाई कोई मारा गया था जिनकी यहाँ पे बहुत सारी कबर है गाइज, बट मैं बहुत बेशरम हूँ, मैंने सभी की कबर लूट ली है जैसा कि आप देख रहे हो भाई। और यहाँ पे मुझे काफ़ी सारा सामान मिला है भाई, इम्पोर्टेंट जो कि भाई बहुत ही तगड़ा है। और एक्सपी की बोटलें देख रहे हो कितनी हैं, और यहाँ पर गोल्ड मिला है मुझे और ब्लॉक ऑफ गोल्ड मिले हैं, तो भाई बहुत सारे ब्लॉक ऑफ गोल्ड हो गए, और ये भाई कॉर्न हो गए मेरे पास, और एक्सपी की बोटल्स हो गई, मतलब मेरा जो पूरा बैग है वो भर चुका है भाई कीमती चीज़ों से। और मैं फालतू की चीज़ें निकालने वाला हूँ, अब कीमती चीज़ें रखने वाला हूँ इसमें। चलो गाइस अभी भाई मैं यहाँ पर लूटने वाला हूँ अपनी एक्सपी बहुत सारी जो उन आत्माओं से मुझे मिली है। ओ भाई देख रहे हो गाइस लेवल कैसे बढ़ रहे हैं मेरे, नाइस। तो यार देखो बहुत बुरा लग रहा है उन आत्माओं के लिए जो यहाँ पे है, बाकी गेम का हिस्सा है ये एक। चलो कोई नहीं यार, तो भाई ब्लॉक उगने शुरू हो गए हमारे और रेड ब्लॉक अभी तक निकल ही रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा इनको। चलो यार अभी हम अपना इस वाले एपिसोड को क्लोज करते हैं, और भाई जो जो चीज़ें मिली हैं उनको मैं रखने वाला हूँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ओके नाइस, और गाइज यार सारी चीज़ें मैंने रख दी है, पूरी इन्वेंट्री खाली कर दी है मैंने अपनी, और अभी मैं ये जो आइलैंड है वो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि भैया किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो देखो गाइज ये आइलैंड अब बड़ा हो जाएगा, और जैसे ये बड़ा होगा ना आसमान में चला जाएगा, तो ये भाई कुछ इस तरीके से काम करता है। देखो अब ये ग्रो होना शुरू हो गया है, और ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा देखना आप लोग, और ये धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा, जितना बड़ा होता रहेगा उतना ऊपर चला जाएगा ये देखना। तो ये आइसलैंड सीड होता है भाई, और ये बहुत बढ़िया काम करता है, और हमारे ब्लॉक्स भाई निकलना शुरू हो गए हैं बहुत बढ़िया। इनमें आग लग रही है भाई, देख रहे हो, आग नहीं मतलब कुछ अलग तरीके का टेक्सचर निकल रहा है। ओके तो मेरा आइलैंड निकल भी गया भाई, मतलब इतनी जल्दी ग्रो होता है क्या ये। तो देख रहे हो गाइस आइलैंड हमारा बिल्कुल रेडी है भाई, और हम चाहे तो इस आइलैंड पर भाई बिल्डिंग भी कर सकते हैं, और बिल्डिंग के साथ साथ गाइस मैं इस आइलैंड को भाई अपने तरीके से मतलब बना सकता हूँ जैसा बनाना चाहूँ। और यहाँ पे ये क्या है भाई, ओ ये यूरेनियम उगा हुआ है इसमें, नाइस। तो गाइस मुझे लगता है भाई आज का काम हमारा हो गया है गाइस, अगर मेरे से कुछ छूट गया हो तो डेफिनेटली गाइस आप मुझे सजेस्ट करना भाई, मैं नेक्स्ट एपिसोड में करने की कोशिश करूँगा पूरा। और भाई एंजल रिंग भी तैयार हो गई हमारी बन के, हमारे पंख निकल गए हैं भाई। और ये बैक के टेक्स्चर को क्या हुआ है भाई, पता नहीं कैसा टेक्स्चर हो गया बैक का, पिंक कलर का। चलो कोई ना, तो गाइज़ यार अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगर आप चैनल पे नए हो तो। और यार एक लाइक कर दिया करो यार, लाइक करने में क्या शर्म है भाई, भाई की चोड़ बढ़ती है यार, सीना चौड़ा होता है यार, एक लाइक कर दिया करो। सो गाइज मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि एडवेंचर से बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है गाइज, और डेफिनेटली गाइज हम बॉस बैटल ज़रूर करेंगे, जो वो हमने देखा था ना बड़ा सा बॉस बैटल उसको जरूर करेंगे गाइज, उसके अंदर बहुत सारी लूट मिलती है भाई, जो ईपिक लूट होती है इस गेम की। तो भाई लेकिन उस वहाँ पे बॉस भी बहुत ईपिक होते हैं, उनको मारना मतलब नामुमकिन जैसा ही है, बट हम कोशिश ज़रूर करेंगे। तो बाय गाइज टेक केयर एंड चाओ।